आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन से उतरने के तुरंत बाद ही मैंने सबसे पहले घड़ी में वक्त देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। स्टेशन इतना सुनसान था कि मेरे कदमों की आहट तक को मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैं चलकर ट्रेन से थोड़ा दूर गया। पहले तो मैंने सोचा स्टेशन पर ही बैठकर कुछ देर सुस्ताने का, मगर फिर सोचा पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, फिर आराम से सो ही जाऊंगा। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकलने लगा। स्टेशन से बाहर निकलकर सामने जो नजारा था, कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में पहले से ही चल रहा था। एक खाली रास्ता और आसपास घना जंगल। उससे भी अजीब बात तो ये थी कि स्टेशन के बाहर कोई खुली दुकान तो दूर बंद दुकान भी नजर नहीं आ रही थी, जबकि आम तौर पर ऐसा बहुत कम ही मिलता है। खैर, गांव का इलाका है, शायद इसलिए ऐसा होगा। यही सोचकर मैं उस खाली रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। दरअसल इस गांव का नाम है मंगलपुर। यहां मेरे बाप दादाओं की काफी जमीनें हैं और बहुत सारे बंगले भी हैं। मंगलपुर गांव में मेरा आज 10 सालों के बाद आना हो रहा है। दरअसल मैं शहर में रहता हूँ, साथ ही मेरा पूरा परिवार भी। मैं कभी कदार अपनी जायदाद वगैरह देखने के लिए यहाँ आ जाता हूँ, मगर पिछले 10 सालों से मेरा यहाँ पर आना ही नहीं हुआ था। बहुत बार मैंने यहाँ की सारी जायदाद बेचने की भी सोची, मगर ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई जमीन खरीदना ही नहीं चाहता। रात हर पल और ज्यादा गहराती जा रही थी। मैं चल तो रहा था, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये शक भी था कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहा। ऊपर से रास्ते पर कोई नजर भी नहीं आ रहा था। मैं एक अंदाजा लगाकर बस चले जा रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट नहीं होगी, ये तो मैं पहले से ही जानता था, इसलिए मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर निकला था। टॉर्च की लाइट के सहारे अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे कोई आदमी खड़ा नजर आया। हालांकि उस वक्त वहां पर उस आदमी को देखकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, मगर पता नहीं क्यों खुश ना होकर मैं हैरान हो गया। भला ये आदमी इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। खैर, मैं चलकर उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब, ये दीनानाथ चौधरी की हवेली कहाँ पड़ेगी, आपको पता है क्या? इस पर वो आदमी बोला, दीनानाथ चौधरी की हवेली? हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। उस आदमी की बात पर मैं तुरंत राजी हो गया। 10 घंटों तक वो मुझे रास्ता बताए, इससे अच्छा यही होगा कि वो खुद मुझे वहां तक पहुंचा दे, जिसके बाद मैं उस आदमी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। मैं काफी थका हुआ था, एक तो ट्रेन का इतना लंबा सफर, ऊपर से पता नहीं अब कितना चलना पड़ेगा। तभी चलते चलते उस आदमी ने कहा, गांव में पहली बार आ रहे हैं क्या? इस पर मैंने जवाब दिया, जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, 10 सालों के बाद आ रहा हूं। इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा नाम रामू है और मैं यहीं पास ही में रहता हूं। इतना कहकर वो आदमी इधर उधर की बातें करने लगा। वो आदमी बहुत ही बातूनी किस्म का था। मैं उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, मगर तब भी वो बकबक किए जा रहा था। अंत में तंग आकर मैंने उस आदमी को बोल ही दिया, कितना बकबक करते हो यार, चुप हो जाओ। इस पर वो आदमी बोला, माफ करिएगा साहब, बात करने के लिए हमें कोई मिलता नहीं है ना, इसलिए। फिर मैंने कहा, और कितना दूर चलना पड़ेगा, तब से तो चल रहे हैं हम लोग। इस पर उस आदमी ने कहा, बस आ गए साहब, ज्यादा दूर नहीं है अब,
उस आदमी के इतना कहते ही मुझे सामने एक बड़ी सी हवेली नजर आने लगी। मैं समझ गया कि यही मेरी हवेली है। तभी उस आदमी ने कहा, आ गया साहब, यही है ना आपकी हवेली। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझसे हाँ का इशारा पाते ही वो आदमी वहां से कहीं चला गया। मगर वो जब जा रहा था तभी मुझे ऐसा लगा जैसे वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। खैर, ये मेरी आंखों का धोखा भी हो सकता है। यही सोचकर मैं घर के दरवाजे पर गया। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था जो कि 10 सालों से जंग लगकर पूरी तरह से सड़ चुका था। खैर, मेरे पास उस ताले की चाबी नहीं थी, लिहाजा मैंने पास ही में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस ताले पर दे मारा। ताला एक बार में ही टूट गया। दरवाजा सरकाकर मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। घर की हालत बहुत खराब थी। जगह जगह से दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं। मकड़ियों ने उस घर को अपना घर बना लिया था। धूल की एक मोटी परत किसी चादर की तरह पूरे घर में बिछी थी। 10 सालों में घर का ये हाल होना लाजमी ही था। मैंने सोचा पूरा घर कल साफ करूंगा, आज बस एक कमरा साफ करके सो जाता हूं। मैंने वही किया, एक कमरा साफ करके पलंग पर लेट गया। हालांकि आम तौर पर मुझे ऐसी जगहों पर नींद बहुत कम ही आती है, पर क्योंकि मुझ पर सफर का थकान हावी था इसलिए मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। कुछ देर मैंने प्यास को बर्दाश्त किया, मगर जब नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जहां तक मुझे याद था, घर के पीछे की तरफ एक बड़ा सा कुआं था। पता नहीं अब होगा या नहीं। इतना सोचकर मैं पलंग पर से नीचे उतरा और टॉर्च लेकर अपने कमरे से बाहर निकलने लगा। घर में इतना अंधेरा फैला हुआ था कि टॉर्च के अलावा कोई चारा ही नहीं था। कमरे से बाहर निकलकर मैं घर के मेन हॉल में पहुंचा और वहां से घर के पीछे जाने का दरवाजा खोजने लगा। सब कुछ धूल में इस कदर सना हुआ था कि किधर दरवाजा है और किधर दीवार पता ही नहीं चल रहा था। जैसे तैसे आधी नींद में ही मैंने दरवाजा ढूंढा और दरवाजे से घर के पीछे पहुंचा। घर के पीछे बगान में पहुंचकर मैं टॉर्च घुमाकर कुआं ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे कुआं दिखा, जिसके पास ही में रस्सी बांधकर एक बाल्टी रखी हुई थी। मैं उस कुएं के पास गया और बाल्टी को कुएं में डाला। थोड़ी देर रस्सी पकड़कर रखने के बाद मुझे जब ये एहसास हुआ कि बाल्टी भर चुकी है, तो मैं रस्सी पकड़कर बाल्टी खींचने लगा। मगर ये क्या, मैं रस्सी से बाल्टी खींच ही नहीं पा रहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि एक बाल्टी ना खींच पाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी बाल्टी को कुएं के नीचे से पकड़कर रखा हो। मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा मैंने अपना टॉर्च निकाला और टॉर्च को कुएं के अंदर घुमाया तो कुएं के नीचे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि कुएं के नीचे एक आदमी था और उस आदमी ने मेरी बाल्टी को पकड़ रखा था। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो आदमी कुएं के पानी में डूब नहीं रहा था, जैसे वो पानी में उड़ रहा हो। डर के मारे मैंने बाल्टी की रस्सी को अपने हाथों से छोड़ दिया और बगान से भागकर वापस घर में आ गया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं भागकर वापस अपने कमरे में गया और कमरे में जाकर
पलंग पर लेटने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर पलंग पर गई, जहां वही आदमी लेटा हुआ था जिसे मैंने कुएं में देखा था। मेरे डर की कोई सीमा ना रही, लेकिन आखिर ये हो कैसे सकता है? अभी तो ये आदमी कुएं में था, फिर इतनी जल्दी कुएं से निकलकर पलंग पर कैसे आ गया? अब ये तो पक्का था कि ये आदमी भूत है, इसलिए मैं तुरंत उस घर से बाहर निकलकर भागने लगा। भागते भागते मैं बार बार पीछे भी देख रहा था कि कहीं वो आदमी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं था, वो आदमी मेरे पीछे नहीं आ रहा था। भागते भागते मैं सीधे गांव में जाकर ही रुका। वो पूरी रात मैंने गांव में ही गुजार दी। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र एक साधु महाराज से किया तो उन्होंने बताया कि बहुत सालों से अगर कोई घर खाली पड़ा हो, यानी उसमें इंसान का वास ना हो, तो उसमें आत्माओं का वास हो जाता है। उस दिन मैंने अपने घर में पूजा करवाई और अब मैंने गांव के ही एक आदमी को उस घर में रहने के लिए रख लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। खाना पीना खाने के बाद मैं अपने दादाजी के कमरे में गया और उनसे कहा, दादाजी आपने कहा था कुछ सालों पहले इस गांव में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए ना। जिस पर दादाजी ने कहा, अच्छा बैठो बताता हूँ। आगे दादाजी ने बताना शुरू किया, आज से 40 साल पहले इस गांव में कुछ ऐसी दहशत मची थी कि लोगों का जीना हराम हो गया था। रह रहकर लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे थे, मगर सभी के मरने का एक ही कारण था, उनके शरीर से सारा खून निकल जाना। डर के मारे लोग रात को दूर दिन में भी घर से बाहर निकलने में कतराते थे। अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता, मगर मुझे पहले पहले इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। रात हो या दिन, मैं अपना सारा काम पहले की तरह ही करता था, मगर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और उस रात को मैं काली रात मानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक शाम मैं काम खत्म करके खेत से घर लौट रहा था। अंधेरा हो जाने के कारण मुझे मेरे अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। मैं टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे घर की तरफ आगे बढ़े जा रहा था। हमारा खेत घर से थोड़ी दूरी पर था तो मुझे घर पहुंचने में करीब 5-7 मिनट का वक्त लगने वाला था। उस रास्ते पर सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मुझे साफ साफ रात कीड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पायल छमछमाने की आवाजें आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरे चलते पैर एकदम से रुक गए और मेरी नगाहें उस आवाज को तलाशने लगी, मगर मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ कदम चला ही था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, मगर इस बार मेरे मन का वहम नहीं था, मुझे साफ साफ किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे घने अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने कानों से किसी के चलने की आवाज सुनी। अब मुझे हल्की हल्की बेचैनी महसूस होने लगी थी। मुझे अब वहां रुकना ठीक नहीं लगा और मैं तेजी से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे घने झाड़ियों से आवाज आई, अरिया
आज तेरी बारी है। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उस आवाज को सुनकर मेरे पैर कपकपाने लगे और मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, मानो मेरी मौत मुझे पुकार रही हो। अब मुझे पता चल गया था कि गांव वालों की बात ना मानकर मैंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस आवाज की तरफ देख सकूं। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने तिरछी नजर से उस ओर देखा तो मेरे होश फाकता हो गए। दरअसल घने अंधेरे के बीच बस मुझे दो लाल टिमटिमाती आंखें नजर आ रही थी। मुझे देखते ही पता चल गया कि वो आंखें ना तो इंसान की है और ना ही किसी जानवर की, बल्कि उसकी है जिससे सारा गांव डरता है। अभी मैं भागने ही वाला था तभी मेरे कांपते कदमों के कारण मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया और उसी के साथ मुझे किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अभी मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस झाड़ी में से एक औरत निकलकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने अपनी नजरों को उठाकर उस औरत की तरफ देखा तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज दौड़ रही थी कि उसकी आवाज मैं साफ साफ सुन पा रहा था। दरअसल उस औरत का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था और उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो औरत जमीन पर खड़े ना होकर हवा में खड़ी थी। उस औरत के मुंह से टपकते खून को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी का खून पिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और एक भारी सी आवाज में कहा, आज तेरा खून पियूंगी। और इतना बोलकर उस औरत ने मुझे घसीटते हुए जंगलों के अंदर ले जाने लगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए काफी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था मगर मुझे पता था कि मेरे चिल्लाने का शायद कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि मेरी आवाज गांव तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर फिर भी मैं चिल्लाता रहा। घसीटते हुए वो चुड़ैल मुझे नदी के किनारे ले आई जहां काफी सारे खून फैला हुआ था। अभी वो औरत मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मेरे ऊपर किसी ने भभूत छींटा जिससे उस चुड़ैल ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और हवा में धुआं हो गई। मैंने उठकर जब पीछे देखा तो ठीक मेरे पीछे एक अघोड़ी बाबा खड़े थे। बाबा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं भागकर बाबा के पास गया जिस पर बाबा ने कहा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है? जिस पर मैंने कहा, बाबा मेरा घर इसी गांव में है। और साथ ही मैंने अपनी पूरी आपबीती बाबा को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर से भी खतरा टला नहीं है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। घर आकर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा आपको तो पहले इस गांव में कभी देखा नहीं। जिस पर बाबा ने कहा, मैं बगल के गांव में रहता हूँ मगर कई दिनों से बाहर गया हुआ था। आज जब मैं अपने गांव लौट रहा था तो रास्ते में मुझे तुम्हारी चीख सुनाई पड़ी तो तुम्हें बचाने आ गया। जिस पर मैंने कहा, बाबा जी आपको पता है वो औरत कौन है और हमारे पूरे गांव को क्यों मारना चाहती है? इस पर बाबा जी ने बताना शुरू किया, आज से कुछ साल पहले इस गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक बच्चा और एक पति पत्नी रहा करते थे। पति की तबीयत काफी दिनों से खराब थी, वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। जब तक अनाज घर में थे तब तक तो सब कुछ ठीक था मगर जब खाने को कुछ नहीं बचा तो पत्नी अपने 7 साल के बच्चे को लेकर गांव के सभी के घरों में खाना मांगने जाती थी मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सबसे पहले तो
उसका पति मर गया, जिसके कुछ दिन बाद भूख से तड़प तड़प कर उसका बच्चा। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। और तब से उसी की आत्मा रह रहकर गांव के लोगों को मौत के घाट उतार रही है। बाबा जी की पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, बाबा जी इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इस पर बाबा जी ने कहा, एक उपाय है। जब वो औरत कुएं में कूदी थी तो सुबह गांव वाले ने उसकी लाश को ना निकाल कर कुएं को वैसे ही ऊपर से बंद कर दिया। हमें कुएं को खोलकर उसमें से उसकी बची कुची हड्डियों को निकालना होगा और उसका अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करना होगा, तब जाकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ये काम तुम्हारे अकेले से नहीं होगा, पूरे गांव वालों को मिलकर करना होगा। उस रात तो हमने किसी तरह से पार किया, मगर सुबह होते ही सारे गांव वालों को इकट्ठा करके पूरी बात बताई, जिसके बाद हमने मिलकर उस कुएं को खोला तो उसमें काफी कम पानी था, मगर पूरा पानी काला पड़ चुका था। सारे पानी को खाली करने के बाद हमें कुछ हड्डियां दिखीं, जिसे निकाल कर हम सीधे शमशान चले गए और काफी अच्छे से उन हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। फिर जाकर हमारे गांव पर से वो खतरा टला और हमारा गांव फिर से ठीक हो गया। पूरी कहानी बताने के बाद दादाजी ने कहा, काफी रात हो गई है, जाओ सो जाओ। दादाजी की कहानी सुनने के बाद पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।